आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला में आप देखिए नशे की खेप को किस तरह से यहाँ पर बरामद कर लिया गया। एक बड़ी सफलता, बारामूला पुलिस को हाथ लगती हुई नजर आ रही है। बारामूला के उड़ी इलाके में हीरोइन की बड़ी खेप को बरामद कर लिया गया है और ग्रामीण विकास विभाग के मुलाजिमों से ये 10 किलो हीरोइन यहाँ पर मिली है और 25 से 30 करोड़ रुपए की ये हीरोइन की कीमत बताई जा रही है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार या फिर आप देखिए किस तरह से लगातार हीरोइन का यहाँ पर मुद्दा जो है वो एक बार फिर से देखने को मिला है। इससे पहले आतंकी गतिविधियां भी जिला बारामूला के अंदर देखने को मिली है और उस बीच में एक बड़ी सफलता बारामूला पुलिस को लगती हुई, क्योंकि बारामूला के उड़ी इलाके से हीरोइन की बड़ी खेप यहाँ पर बरामद हुई है और ग्रामीण विकास विभाग के मुलाजिमों से ये 10 किलो हीरोइन बरामद की गई है और बताया जा रहा है कि 25 से 30 करोड़ रुपए की ये हीरोइन बताई जा रही है। और जाहिर तौर पर ये समझिए कि लगातार ये हीरोइन यहां तक पहुंच कैसे रही है, क्योंकि अगर बड़गाम की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें तो उसे हब माना जा रहा है, क्योंकि सीमावर्ती इलाके हैं और पूरी तरह से फेंसिंग के नीचे से किस तरह से नाको टेररिज्म यहां फैलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब ये पूरी तरह जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हमारे साथ इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, महज कल की अगर बात करें तो बारामूला के अंदर जो शराब की दुकान पर अटैक हुआ था उसे मद्देनजर रखते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन उस बीच में एक बड़ी सफलता पुलिस को यहां उड़ी सेक्टर में लगी है जहां 25 से 30 करोड़ रुपए की हीरोइन को बरामद किया गया। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से? आशा, अगर हम सरहदी इलाके उड़ी की बात करें जहाँ पे अक्सर पेशतर जो है ये ड्रग्स पकड़ा जाता है पुलिस की जानब से, चाहे फौज की जानब से, और आज जम्मू कश्मीर पुलिस उड़ी पुलिस को जो है एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसडीपीओ उड़ी जुनेद अहमद की सरबराही में जो यहाँ पे नाका लगाया गया था टीसीपी पे, और वहाँ पे जो है ये हीरोइन ला रहे थे कुछ कामी जो यहीं के रहने वाले हैं। हालांकि ये बताया जाता है कि सुल्तान डकी का एक इलाका है बसगरा, वहीं से ये ताल्लुक रखने वाला ये शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब। हालांकि तकरीबन 10 केजी हीरोइन पकड़ा गया और इसका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इसका कास्ट बताया जाता है वो तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपया। और फिलहाल जो है हम स्पॉट पे इस वक्त मौजूद है, ये आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन पूरी है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, क्योंकि सबसे पहले जो है गुलिस्तान न्यूज ने ये खबर देखी और इसके साथ साथ देखा जाए इस वक्त यहाँ पे एसडीपीओ उड़ी जुनेद अहमद और इसके साथ एसडीएम उड़ी, इससे पहले भी कई बार इसी तरह से खेप जो है कर रहे हैं। इरशाद, मेरी आवाज आ रही है? इरशाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सवाल यहाँ पर यह है इरशाद कि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार इसी तरह की खेप जो है वो बरामद हो पाई है यहाँ पर, लेकिन बड़गाम के अंदर से भी देखने को मिला, कुपवाड़ा के अंदर से भी, अब बारामूला जिले के अंदर भी। क्या लगता है कि नाको टेररिज्म फैलाने की एक बड़ी कोशिश हो रही है और ये तार जो है वो कहां तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान से इसके तार तो जुड़ नहीं रहे? जी बिल्कुल आशा, अगर से देखा जाए ये सरहदी इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें जहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है ये ड्रग्स लाया जाता है और काफी तादाद में इससे पहले भी यहाँ पे पकड़ा गया, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फौज की बात करें, क्योंकि आज जो यहाँ पे ये ड्रग्स पकड़ा गया है ये बताया जाता है जो शख्स गिरफ्तार किया है यहाँ पे पुलिस की जानिब से, हालांकि ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम करता था और इसका जो सामने नहीं सामने आया इरशाद, अगर इसे गिरफ्तार किया गया है तो पूछताछ भी की गई होगी पुलिस से, क्या कुछ खुलासा किया गया इसकी तरफ से कि आखिर कहां से ये बड़ी खेप लेकर यहां पर पहुंचा है और आगे कहां पर सप्लाई होनी थी, क्योंकि 25 से 30 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है जो कम नहीं है। जी आशा बिल्कुल, अगर से देखा जाए सरहदी इलाका यानी कि हम बसरा की बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल का कटा हुआ इलाका है वहां से ये ड्रग्स ला रहे थे और पुलिस जो है यहाँ पे डीसी के मुकाम पे जो है यहाँ पे उड़ी में इस शख्स को जो है गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अगर से देखा जाए इस वक्त एसडीएम उड़ी, एसडीपीओ उड़ी, एसएचओ उड़ी और इसके साथ साथ बाकी अफसरान है वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन उड़ी में है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं।